ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଯାହା କିଛି ବି ଘଟିଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଏକ ଘଟଣାରେ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ମଳ ଏବଂ ନିଶ୍ଚଳ ପ୍ରେମକୁ ଭୁଲିଯିବେ। ଶିବଙ୍କ କ୍ରୋଧାଗ୍ନିରେ ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରେମକୁ ଜଳାଇ ଭସ୍ମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। जना नहीं कहीं, परंतु मत एपरी लगुच जे आपण आपण माता पिता इच्छार सम्मान निमंते ए सबकि देवर्षी पिताश्री मो प्रेम विरुद्ध नुहंती से स्वयं मो प्रेम निमंते मत कैलास को नहीं जाते शिवंक भेट करने को, परंतु तार परिणाम कौन है मो प्रेमर आशा नहीं मो महादेव पाखक गली आउ देवी रती घोर अभिशाप नहीं फेरिली। कामदेव प्राण चलीगला मो प्रेम कारण देवी रती संपूर्ण जीवन विरहर अग्नि चलिए केवल मो प्रेम निमंते। एबे मते यहा को विराम देबा को हेबो, प्रेम निमंते प्रयास करी देखी नेली, परंतु एबे मते मो माता पिता को प्रति कर्तव्यर पालन करीबा को हेबो। पार्वती, शिव जहाँ भी करिछंती ताहा मध्य तांको कर्तव्य ही थिला। जानिछंती कि परी ब्रह्मदेव कामदेवंक सृजन कले एवं दिने ब्रह्मदेव कामदेवंकु तांको कर्तव्यर ज्ञान देउथिले एवं कामदेव ब्रह्मदेवंक द्वारा दिया जाइथिबा कर्तव्यर ज्ञानकु अधर छाड़ी चली गले। एहा द्वारा ब्रह्मदेव क्रोधित होइगले एवं से कामदेव को अभिशाप देले जे जेपरी भावरे तुमे निज कर्तव्यर ज्ञान को अधारु छाड़ी चली जाऊच से ही प्रकारे तुम जीवन मध्य अधारु रही एवं अल्पायुरे ही तुमर मृत्यु होइजिबो। आउ तुमर अंत महादेव हस्तरे ही हव। हाँ देवी, कामदेव निजर भस्म हबार मूल दुआ निजे ही लिखिथिले। कामदेव सहित जहा किछि भी हेला ताहा तो हबार ही थिला। एथि निमन्ते आपण महादेव उद्देश्य प्रति संशय करंतु नहीं देवी। आपण मोर गुरुदेव, आपण मते जहा आदेश देबे मु ताहा पालन करिबी। आउ जदि न करि पारिली तेबे आपण जहा चाहिबे मते दंड देई पारिबे, एहा आपणकर अधिकार। परंतु आपणकु मु विनती करूछि जे शिवंक सह मोर विवाह विषय रे किछि भी कहिबेनि, काहेकिना एबे मोर विवाह विषय रे भाबिबार आउ निष्पत्ति नेबार अधिकार केवल मो माता पितांकर अछि। किपरि बुझाइबि आपणंको जे आपण देवी आदिशक्ति, किपरि बुझाइबि आपणंको जे शिव आपणंक बिना अधरा।
बुझी होना ही तारकासुर जो ठिकु आमे युद्ध करबा निमन्ते जाउथिले सेठिकु आमे भोजन निमन्ते जाउचे तांको विवाह पश्चात मो तांको हरण करिनेबे शिव शक्ति बिना सब होइजिबे एवं संसार नूतन शिव मु होइजिबे परंतु तारकासुर एथिरे विंध्यर राजकुमार सह विवाहर कौन आवश्यकता अछि आपण राजकुमार को हत्या करी स्वयं तांक बेश धारण करी नियंतु एवं पुणी नै आसंतु तांकु निज पाखकु विवाह करी ध्यान रख सही विष्णु अत्यंत चतुर जदि तांकु आभास मध्य हेला जे विंध्य कुमार बेशरे मु अछि तेबे तांकु विवाह अटकाइबार बहाना मिलि जिवो एथे निमन्ते कहुछि जे शक्ति पूर्वरु विंध्य कुमारंक विवाहर भजर आनंद उठेबा विंध्यर राजकुमार त केबे स्वप्नरे मते भाबि पारिबे नाही जे मो हृदय रे कोन चालीछि तापरे जेबे पार्वती देवगण एवं हेमवंतंक निमन्ते पर हिजबे जेबे मु तंकु हरण करिनेबे पार्वती को नहीं जीवा निमंते जदि मत राजकुमार को मारिबा को मध्य पड़िला तेबे मु पछ घुंचा देबी नहीं केवल दुई दिन प्रतीक्षा नूतन कहानी लिखिब तारकासुर आज पर्यंत हरण परे विवाह हेउथिला परंतु पार्वती को विवाह पश्चात तांकर हरण हेब महादेव एही परि अनेक पशु पक्षी वनस्पति मानंक नाश करि सारिछन्ति असुर देवगण पूर्ण प्रयास करि सारिलेनि किंतु तारकासुर को मिलिथिबा वरदान कारणरु ताको हराइबा असंभव होइ जायछि आपणंक बिना आपणंक द्वारा निर्मित सृष्टिर अंत करि देबे एही असुर माने एवे प्रत्येकंक मुखरे केवल जणे प्रभुंकर नाम रहिबो से होउछन्ति आम प्रभु तारकासुर कोह तारकासुरंकर जय आज्ञा महादेव आमको क्षमा करंतु आमे आपणक बिना ए संसार को संचालन करिवारे असमर्थ होइछु एथि निमन्ते आमे समस्त देव निजर पदवी को त्याग करिवेकु निजर पदवी को त्याग करिवेकु चाहन्छु पदवी को त्याग करिवेकु चाहन्छु हाँ महादेव आमे समस्ते निजर देवत्व त्याग करी पुनः आपणंक मध्यरे विलीन हेबाकु चाहू आम समस्तक उत्पत्ति त आपणंक ठरु होईछि सेतिपय आमर विनती स्वीकार करंतु एवं आमको पुनः स्वयं मध्यरे समाहित करि दियंतु आमको स्वयं मध्यरे समाहित करि नियंतु आज्ञा महादेव हां हां आमको स्वयं मध्यरे समाहित करि दियंतु महादेव
मु मोर प्रेम को निजर भक्ति रे परिणत करने को चाहूँगी शिव मु आपण दूर को जाऊना आपणकर अधिक निकटतर कहीं जड़े भक्त जड़े प्रेमी ठारु अधिक निकटतर होता है निज देवतांकर मत आपण भक्ति रे लीन करनी मत केवल आपण भक्तिर अधिकार आवश्यक शिव आई नुह शिव केते भी अस्वीकार करंतु एही प्रेम रे नियतिर अधिकार अछि सेति पई पार्वती को जल शिव को ऊपर बरसुछि आपणकर प्रीति नुह आपणकर भक्ति चाहूँगी शिव यह ही उचित आमर नियति शिव 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 नहीं मु जानिछि आपण कौन कहबा को चाहुचंते महादेव किंतु आमे फेरी जीवु नाही जदि आपण निजर कर्तव्य प्रति विमुख होइ परंती तेबे आमे काहि के नुह शिव 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 आमे निजर कर्तव्य प्रति विमुख होइ परंती आमे काहि के नुह जे आम को सृष्टि करिछंती जदि से निजर उद्देश्य प्रति विमुख हो जाती तेबे आम उपस्थित कौन बा उद्देश्य महादेव जदि आपण निज कर्तव्य पथ को न फेरिबे तेबे आमे मध्य आम कर्तव्य पथ को फेरिबु नहीं आमर अंतिम निष्पत्ति शिव 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 शिव
शिव आमको निज भीतर समाहित कर दियो महादेव महादेव रक्षा करंतु महादेव महादेव रक्षा करंतु महादेव कौन है चिरु शिवर आपण एते पीड़ा रे काही के अछंती असुरंक प्रकोपरु संकु बंचई आपणक चरण को आसीचु महादेव महादेव रक्षा करंतु रक्षा करंतु महादेव रक्षा करंतु बंचंतु महादेव बंचंतु चित्कार करो अधिक चित्कार करो किंतु तुमरे करुण चित्कार केही सुनी पारिबे नाही तुम महादेव मध्य तुमको बंचै पारिबे नाही रक्षा करो तुम महादेव आपण तो देवंक देव महादेव महादेव बचंतु महादेव बचंतु महादेव କୋକିଳର ବାଣୀ କେତେ ମଧୁରମୟ ହୋଇଥାଏ ନା ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତି ତାର ବାଣୀ ହିତ କାରଣ ଯେଉଁ କାରଣରୁ କୋକିଳ ଆମର କୌଣସି ହିତ କରେ ନାହିଁ ପରନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ କି କାକ ଆମର କୌଣସି ଅହିତ ମଧ୍ୟ କରିନଥାଏ ତଥାପି ବି କେବଳ ନିଜର କର୍କଶ ବାଣୀ କାରଣରୁ ଆମର ଅପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ସେ ଏହା ହିଁ ତ ଜୀବନର ସତ୍ୟ ଆପଣ କାହାର ମିତ୍ର ଅବା ଶତ୍ରୁ ଯଦି ହିତ ଭାବିଥାଏ ମଧ୍ୟ ତିକ୍ତ ବାଣୀ କହିବେ ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପ୍ରିୟ ହୋଇଯିବେ ଚୟନ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର ସାଧି କହିବା ଶିଖନ୍ତୁ ସ୍ୱର ପଛରେ ଥିବା ଭାବନାକୁ ବୁଝିବା ଶିଖନ୍ତୁ